चलिए खबर राजधानी भोपाल से, जहां परिवहन विभाग की नई पहल, 1 अप्रैल से ऑनलाइन बनेंगे लाइसेंस। परिवहन विभाग ने नई पहल की है, 1 अप्रैल से लाइसेंस ऑनलाइन भी बनेंगे, ऑनलाइन लर्निंग और रिन्यू होंगे लाइसेंस। परिवहन चलिए इसी खबर पर हमारे साथ मुकेश लैंड ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। धन्यवाद मैडम। हाँ सर, पूछना चाहेंगे परिवहन विभाग ने जो पहल की है कि अब 1 अप्रैल से ऑनलाइन लाइसेंस बनाए जाएंगे, क्या प्रक्रिया होगी? लर्निंग लाइसेंस की बात चल रही है, लर्निंग लाइसेंस को कम्प्लीटली ऑनलाइन कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। हम इसका परीक्षण 2 आरटीओ कार्यालयों में पहले ही कर चुके हैं, सतना और खरगोन में, 1 अप्रैल से पूरे मध्य प्रदेश में। और ऑनलाइन और फेसलेस दो अलग अलग चीजें हैं। फेसलेस मीन्स आवेदक को किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं आना पड़ेगा और कोई, और ऑनलाइन का मतलब है कि किसी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं, वो अपने सिर्फ आधार का उसको विलिंगनेस देना पड़ेगा कि मैं आधार के बेस पे अपना प्रमाणीकरण करने को तैयार हूँ। तो आधार का नंबर जो वो डालेगा तो वो ओटीपी आएगा और ओटीपी के बेस पे यस करने के बाद में सारा डिटेल देने के बाद में अपनी फी जमा करेगा और वही वो लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड करके प्रिंट कर पाएगा। जी मुकेश जी, बेहद ही अच्छी पहल है, क्योंकि कई बार ऐसा जांच में सामने आता था कि लोग कई दिनों से, कई सालों से वाहन चला रहे हैं लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं होते थे। तो अब ये प्रक्रिया जब ऑनलाइन कर दी गई है तो शायद जनता में जागरूकता ज्यादा देखी जाए, लोग जल्दी लाइसेंस रिन्यू कराएं। बिल्कुल, लर्निंग लाइसेंस के लिए है ये, और ड्राइविंग लाइसेंस की तो प्रक्रिया वो रहेगी ही पहले जो थी, क्योंकि उसके लिए एक्चुअल टेस्टिंग की जरूरत होती है, उसके लिए हमें वाहन चला के देखने की जरूरत होती है। लर्निंग लाइसेंस के लिए अभी तक नहीं था, लर्निंग लाइसेंस के लिए सिर्फ टेस्ट होता है जो जारी रहेगा, टेस्ट ऑनलाइन रहेगा। ठीक है मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो परिवहन विभाग ने नई पहल की है, 1 अप्रैल से लाइसेंस ऑनलाइन बनाए जाएंगे, ऑनलाइन लर्निंग और लाइसेंस रिन्यू होंगे।